देखिए, जिस तरह से आपको मालूम है 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा है। सेंटर मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने जो महिलाओं को सम्मानित किया, उसमें हमारे साथ डॉक्टर अमेरिका शेफ मौजूद हैं। ये बताएंगे कि मुझे अवार्ड के इस बारे में उनका क्या कहना। मैडम, सबसे पहले तो आपको अवार्ड की मुबारकबाद, और उसके बारे में आपके बारे में सबसे पहले मैं भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जो एसोसिएशन ने अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, और स्मृति ईरानी जी जो वुमेन्स स्टूडेंट्स मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो इनवाइट किए थे। और काफ़ी दिनों से जो है इसका इन्विटेशन था उनको, उसके बाद मैंने सोचा कि सारे बिजनेस वुमेन्स को इधर बुलाया जा रहा है तो फिर अटेंड करना अच्छा है, ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस कमेटी है। तो हम बिज़नेस कमेटी में जुड़ते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ों को नहीं देखते, और बिज़नेस कमेटी में जुड़ते हैं तो फिर ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा आकर के, और स्मृति ईरानी जी के वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे थे, और सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने एम्पावर किया वुमेन्स को और वुमेन्स के तरफ ध्यान दिया, और जो छोटी बच्ची को अवार्ड दिया गया। तो आइंदा के दिनों में भी हमारा ख्वाब ऐसा ही है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जो है देश में काम करें, और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जो है जॉब करने वाली बने, और महिलाएं कमज़ोर ना रहें, और महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो है एक ताकत मिली है तो वो सबसे पहले इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करना होता है। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज तो कई सालों से काम कर रही है। तो आइंदा भी चलकर जो HDG हीरा डिजिटल गोल्ड के जरिए और देश के 30,000 से ज़्यादा महिलाओं को जॉब देने का फैसला हीरा ग्रुप ने किया, तो आइंदा के दिनों में जो है ये बहुत ही अच्छा फैसला होगा महिलाओं के लिए। तो आज अटेंड करके मैं बहुत ही बड़ी खुशी फील कर रही हूँ। मैडम, जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, खासकर औरत के हवाले से वुमन डे के लिए आपको अवार्ड मिला, खासकर वो महिलाएं जो दबी कुछ नहीं है, जिनकी आवाज़ बाहर गया, ऐसे में उनकी आप आवाज़ बनकर आ रही है, और वो आपसे किस तरह से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? जी, सबसे दबा कुचला तबका लोग समझते हैं महिला को, अगर वो ताकत में आ जाती है तो उसके नीचे सारे तबके दब जाते हैं, कोई तबका उससे ऊंचा नहीं होता। अब दूसरी बात है कि बगैर महिला के तो दुनिया बनेगी नहीं। वो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक बीवी है, और उसका सम्मान करना चाहिए हर किसी को, जो देश, जो घर, जो कंट्री, जब तक कि महिला का सम्मान नहीं करेगी, उसको आगे लेकर नहीं जाएगी, देश का कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उन सबको आगे बढ़ने का जरिया महिला ही होती है। आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें आपके? देखिए, यहाँ पर तो मैं ये कॉन्टैक्ट कॉल सेंटर के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, क्योंकि आज एक अवार्ड फंक्शन था, वो अवार्ड फंक्शन में अटेंड किया, और मुझे ये भी नहीं पता था कि जब मैं अटेंड की थी तो मेरा भी अवार्ड है। मैं वुमेन्स डे है, वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन है, इनविटेशन आया था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लूँ, तो फिर मुझे भी 4th नंबर पर अवार्ड दिया गया। तो ये सोचकर भी खुशी हुई कि कहीं ना कहीं जो नज़र रखते हैं, जो कमिटीज़ होते हैं, वो कमिटीज़ परफेक्टली सर्च करते हैं, भले दुनिया कोई कुछ भी कहती रहे, और जो भी चीज़ें ये होते हैं परफेक्टली कर रहे हैं। Thank you.